हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सुपंच स्टडी चैनल। आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं आई एकॉर्ड डिस्ट्रिक्ट की ज्वाइनिंग लेटर। जैसा कि आप सभी को पता है, पंचायती राज विभाग में आप लोग के टेक्निकल असिस्टेंट के पोस्ट पर लंबे समय से स्टेट लग चुका था, जिसके कारण आप लोगों की ज्वाइनिंग प्रोसेस रुकी हुई थी और आई स्टे ये स्टे आप लोग की हट चुकी है। और जैसा कि देख रहे हैं, टेक्निकल असिस्टेंट के पोस्ट पर ईस्ट चंपारण की तरफ से आप लोग की ज्वाइनिंग लेटर जारी कर दी गई है और पूरा का पूरा अपडेट आप लोग को दिखाते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, ये आदेश दिया गया है। क्या क्या आदेश है जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, इसमें कुल जो है 73 अभ्यर्थियों को लिया गया है, ज्वाइनिंग लेटर दिया गया है और बाकी अभ्यर्थियों को जल्द ही दे दी जाएगी। और जैसा कि देख रहे हैं, इन इन कैंडिडेट का लिस्ट में नाम है जिनको ज्वाइनिंग दिया गया है। फर्स्ट नंबर है, सिलेक्शन लिस्ट में उनका नाम है, तकनीकी सहायक का नाम एवं पिता का नाम दिया गया है और पदस्थापन प्रखंड का नाम दिया गया है। प्रखंड भी जैसा कि देख रहे हैं आवंटित कर दिया गया है। और ये है पूरा का पूरा लिस्ट, आप लोग अपना नाम चेक कर सकते हैं इस वीडियो को पॉज करके। और कुल जैसा कि देख रहे हैं 73 कैंडिडेट्स का लिस्ट दिया गया है और आपका सभी कैटेगरी से इस लिस्ट को लिया गया है। और आप लोग को दिखा देते हैं आगे चयनित अभ्यर्थियों का नाम। और जैसा कि देख रहे हैं, संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी फिलहाल पदस्थापित तकनीकी सहायकों को उपलब्धता एवं पंचायतों की संख्या के मद्देनज़र अपने स्तर से कार्य क्षेत्र के रूप में पंचायत अतिरिक्त पंचायत संबंध करेंगे और इसका अनुमोदन जिला पदाधिकारी पूर्वी चंपारण मोतिहारी से प्राप्त करेंगे। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश जैसा कि देख रहे हैं एवं पंचायती राज विभाग के पत्रांक संख्या 8638 दिनांक 26/12/2019 के आलोक में फिलहाल 73 तकनीकी सहायकों के संविदा पर नियोजन हेतु निर्णय लिया गया है, लेकिन उपरोक्त नियोजन पर माननीय उच्च न्यायालय का अंतिम निर्णय प्रभावी होगा। यदि न्यायालय का पक्ष किस पक्ष में जाता है, आप लोग का पूरा फाइनल डिसीजन वही आप लोग का अंतिम होगा। यदि आप लोग के पक्ष में जाता है देन तो लिस्ट आप लोग का यही एजिटिव रहेगा, लेकिन आप लोग के विरोध में जाएगा तो एक दो कैंडिडेट का लिस्ट में नाम चेंज हो सकता है और उनको अपनी जॉब से छोड़कर जाना पड़ेगा। और जैसा कि देख रहे हैं कुछ शर्तें हैं, ये शर्तें आप लोग को मालूम ही होगा, लगातार आप लोग को वीडियो के माध्यम से बताते आ रहे हैं। आप लोग ये शर्तें पढ़ लें और आप लोग को दिखा देते हैं कब का साइनअप हो रखा है। ये जैसा कि देख रहे हैं, ये आप लोग का 4/1/2020 को ही साइन हो गया था, बट लिस्ट अभी डाउनलोड किया गया है, आप लोग का ऑफिशियली वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। और दिखाते हैं सिलेक्शन लिस्ट, ये था आप लोग का, ये इच कैटेगरी वाइज दिया गया था आप लोग का सिलेक्शन लिस्ट और आप लोग अपना नाम चेक कर सकते हैं इसमें। ये था आप लोग का सिलेक्शन लिस्ट उस समय और ये देखिए इच कैटेगरी वाइज दिया गया है और ये देखिए एससी कैटेगरी का है लिस्ट, बीसी कैटेगरी, बीसी फीमेल कैटेगरी, ईबीसी मेल, ईबीसी फीमेल, सभी कैटेगरी का दिया गया है। और जैसा कि देख रहे हैं इसको भी आप लोग का अपलोड कर दिया गया था ऑफिशियली वेबसाइट पर। कोई भी अपडेट आता है जिला राज पदाधिकारी की तरफ से, पंचायती राज विभाग की तरफ से, तो सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।